स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एमपी बोर्ड सिलेबस का सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश जो है उसमें क्लास ट्वेल्थ का जनरल इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है वंडरफुल वर्ल्ड और इसके राइटर हैं विलियम ब्राइटी रेंड्स, इसके मैं क्वेश्चन आंसर्स आपको करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अटायर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की वेशभूषा कैसी है या पृथ्वी की वेशभूषा क्या है। आंसर है द अटायर ऑफ द अर्थ इंक्लूड्स ओशंस एंड ग्रीनरी। ओशंस मतलब समुंदर और ग्रीनरी मतलब हरियाली। तो पृथ्वी की वेशभूषा में समुद्र और हरियाली शामिल है। पोयम में हमने पढ़ा था कि चारों तरफ से पृथ्वी समुद्र से घिरी हुई है और उसके जो छाती है, सीना है, उस पर घास है, घास। तो पृथ्वी की वेशभूषा में समुद्र और हरियाली शामिल है। सेकंड क्वेश्चन है, विच एक्शंस ऑफ द विंड आर डिस्क्राइब्ड इन द पोयम, कविता में वायु के कौन से क्रियाकलापों का वर्णन किया गया है, वो कौन से काम हैं वायु के जिनका वर्णन किया है। आंसर है द विंड शेक्स द ट्री। वायु जो है वो वृक्षों को हिलाती है। इट वॉक्स ऑन द वाटर, यह जल पर भी चलती है। इट फ्लोज ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स, यह पर्वत श्रृंखलाओं पर भी बहती है। इनफैक्ट द विंड इज फाउंड एवरीवेयर, वास्तव में वायु हर जगह पाई जाती है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट रिगार्ड अर्थ ए फ्रेंड, कवि ने पृथ्वी को एक मित्र क्यों माना। आंसर है द पोएट रिगार्ड्स अर्थ ए फ्रेंड बिकॉज, कवि ने पृथ्वी को मित्र माना क्योंकि इट इज़ फाउंड विद वीट फील्ड्स, रिवर्स, सिटीज, गार्डन्स, क्लिप्स एंड इजल्स। उन्होंने कवि ने पृथ्वी को मित्र इसलिए माना क्योंकि यह गेहूं के मैदानों के साथ, नदियों के साथ, शहरों के साथ, बगीचों के साथ, चट्टानों के साथ और द्वीपों के साथ हर जगह पाई जाती है। इनफैक्ट अर्थ नर्चर्स ह्यूमन सिविलाइजेशन, नर्चर मतलब पोषण करना, वास्तव में पृथ्वी मानव सभ्यता का पोषण करती है, रक्षा करती है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द पोएट ट्रेम्बल, कवि किस कारण कांपने लगता है। द पोएट ट्रेम्बल्स ड्यू टू द एक्शंस ऑफ द अर्थ, कवि पृथ्वी के जो काम हैं, क्रियाकलाप हैं, उनको देखकर कांपने लगता है। ही फील्स दैट ही इज सो स्मॉल एंड द अर्थ इज सो ग्रेट, उसे लगता है कि वह कितना छोटा है और उसके विपरीत जो पृथ्वी है वो कितनी महान है, कितनी बड़ी है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द पोएट थिंक दैट मैन इज गॉड्स ग्रेटेस्ट क्रिएशन, किस बात से कवि को महसूस होता है या आभास होता है कि मनुष्य ईश्वर की महानतम या सर्वश्रेष्ठ रचना है। मैन कैन लव एंड मैन कैन थिंक, मनुष्य प्रेम कर सकता है और सोच विचार की शक्ति भी मनुष्य में होती है, सोचने समझने की शक्ति। द अर्थ कैनॉट डू दिस, पृथ्वी ऐसा नहीं कर सकती है। दिस मेक्स द पोएट थिंक दैट मैन इज गॉड्स ग्रेटेस्ट क्रिएशन, यह सोचकर कवि को महसूस होता है कि मनुष्य ईश्वर की महानतम रचना है। तो ये 5 क्वेश्चंस थे इस लेसन के, ये मैंने कंप्लीट कर दिए हैं और आप इन क्वेश्चन आंसर्स को नोट कर लें,
अच्छे से याद करें, स्पेलिंग्स पर विशेष ध्यान दें, स्पेलिंग्स गलत नहीं होनी चाहिए। और जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं और उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल।